फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन स्टडी बाइट्स को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलते रहें और नॉलेज आपकी बढ़ती रहे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा आचार्य और आज हम बात करेंगे एलटी ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट से संबंधित बुक्स की। तो मार्केट में एलटी ग्रेड की बुक्स आ चुकी हैं, तो काफ़ी सारी जो पब्लिकेशंस हैं, जैसे अरिहंत है, स्ट्राइकर है, कॉम्पिटिशन एज है, उन्होंने अपनी अपनी बुक्स मार्केट में अवेलेबल करवाई हैं। साथ में वो ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं amazon.com से। तो उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप अगर ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं, घर बैठे ही अपने बुक्स मंगाना चाहते हैं, तो आप अमेज़ोन से उस लिंक के थ्रू आप अपनी जो बुक्स हैं उनको मंगा सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं या ऑनलाइन अवेलेबल बुक्स हैं, वो कौन कौन सी हैं और कौन सी जो बुक होगी वो अच्छी रहेगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और किस बुक में कंप्लीट सिलेबस जो दे रखा होगा। तो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो से। पर उससे पहले, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो हम बात करेंगे कि कौन कौन सी बुक हैं, जैसे कला की है, सहायक अध्यापक कला की है, और सामाजिक विज्ञान की बुक है, संगीत की बुक है, इंग्लिश लिटरेचर की है, कंप्यूटर की है, जीव विज्ञान की है, हिंदी की है, और गृह विज्ञान की है, सामान्य अध्ययन की है और गणित की है। तो ये जो बुक्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, और देखते हैं और कौन कौन सी इससे संबंधित बुक्स हैं जो हमारे जो एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं है कि एलटी ग्रेड का जो पेपर है वो पहली बार हो रहा है, तो अभी कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह का क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये भी अभी जो जिन पब्लिकेशंस ने अपनी बुक मार्केट में लाई हैं, तो उन्होंने भी एक आइडिया एक सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या जो इम्पॉर्टेंट हैं, तो उन्हीं को संकलन करके आपके लिए बुक प्रोवाइड की है, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप वन बाय वन अपने चैप्टर को, अपने जो टॉपिक हैं उनको कंप्लीट कर सकें। तो ये हेल्पफुल हैं, तो आप इनके थ्रू आप आसानी से अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हैं, काफ़ी हेल्प करेंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जनरल स्टडीज़ की बात करेंगे, सामान्य अध्ययन की, क्योंकि सामान्य अध्ययन सबका कॉमन सब्जेक्ट है, पेपर वन है, और इसमें से 30 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे सबके, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हो, तो आपको सामान्य अध्ययन ज़रूर पढ़ना है। तो सामान्य अध्ययन में सबसे पहले बुक आई है अरिहंत की, जिसमें सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 सामान्य अध्ययन, और काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी कि इसमें क्या क्या दे रखा है, मेरे पास भी है ये बुक। तो इसमें जो है सामान्य अध्ययन, जो विषय सूची दे रखी है वो भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय कृषि, प्रारंभिक गणित, विश्व भौतिक सामाजिक भूगोल, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, बीजगणित, ज्यामिति और मॉडल पेपर के बारे में सब कुछ दे रखा है। तो जो सिलेबस है आपका, जो एलटी ग्रेड का सिलेबस है जीएस का, उसको पूरा कंप्लीट करवाने की इन्होंने काफ़ी कोशिश की है। इसके थ्रू आप आसानी से और अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ में जो दूसरी बुक आई है वो है यूथ कंपटीशन टाइम्स की, तो ये भी एलटी ग्रेड के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि सॉल्व पेपर्स दे रखे हैं और प्रैक्टिस दे रखी है, साथ में सॉल्व पेपर जो हैं उनका डिटेलिंग दे रखी है, मतलब जो आंसर है काफ़ी डिटेल में दे रखा है, काफ़ी डिटेल में उसके बारे में बता रखा है। अगर उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पा सकते हैं। तो ये दोनों बुक ही अच्छी हैं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी। हिंदी की जो बुक आई है वो है स्ट्राइकर की बुक। स्ट्राइकर भी एक पब्लिकेशन है, न्यू पब्लिकेशन है,
काफ़ी अच्छी बुक है स्टाइकर की, मैंने देखी है स्टाइकर की बुक। इसमें मैटर दे रखा है पर ज़्यादा डीपली तो नहीं दे रखा, पर थोड़ा बहुत आपको एक ओवरव्यू बताया है एक चैप्टर के बारे में। फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे दे रखे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं, साथ में चैप्टर वाइज दे रखा है, चैप्टर वाइज दे रखा है। और दूसरी बुक जो आई है वो यूथ कंपटीशन की, तो यूथ कंपटीशन की बुक्स काफ़ी अच्छी रहती हैं क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनके जो आंसर होते हैं उनके साथ डिटेल भी दे रखी होती है, तो आपको क्या है समझने में आसानी हो जाती है और आप आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर समझ पाते हैं और उस पॉइंट को अच्छे से समझ पाते हैं, और साथ में अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर पा सकते हैं। तो इसमें पूर्व UPSC, GIC, GDC, डायट प्रवक्ता, UGC एंड अन्य राज्यों की TGT, PGT प्रवक्ता परीक्षाओं के 4,865 प्रश्नों का अध्यायवार संकलन दे रखा है। तो इसमें टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज एक-एक पेपर का, एक-एक टॉपिक का संकलन दे रखा है। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है हिंदी के लिए, अगर आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हो। इन सब का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप अमेज़ॉन से घर बैठे इनको मंगा सकते हैं। नेक्स्ट जो हिंदी की बुक है वो है अरिहंत की, तो अरिहंत मार्केट में काफ़ी फेमस है, काफ़ी सारी बुक्स आपको अरिहंत की मिलेंगी। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो, अरिहंत की बुक आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ज़रूर होगी। तो एक अरिहंत भी अच्छी है, पर अगर मैं सजेस्ट करूँगी तो यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स को करूँगी। और स्ट्राइकर भी बहुत अच्छी बुक है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे अच्छे चाहिए तो आपको स्ट्राइकर की बुक में भी अच्छे मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है संस्कृत की, संस्कृत के लिए भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है और इसके लिए प्रैक्टिस सेट भी है। अगर आप संस्कृत का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इंटीग्रेट का, तो आप प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं जो गाइडर पब्लिकेशन का है। और इसमें अरिहंत की भी बुक है जो सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी परीक्षा 2018, इसमें जो पाठ्यक्रम का अध्यायवार समावेश दे रखा है, 1500 से अधिक अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं और 3 मॉडल पेपर प्रैक्टिस के लिए भी दे रखे हैं। साथ में जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है उसमें आपको प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हुए हैं, चाहे वो UPPSC का हो, GIC का हो, GDC का हो, डाइट का हो, UGC का हो, तो TGT, PGT के हों, तो उसके क्वेश्चंस को अध्यायवार दे रखा है। तो ये 3,650 प्रश्न है, साथ में काफ़ी डिटेल के साथ इसकी जो आंसर होते हैं उनको भी दिया गया होता है। नेक्स्ट जो है इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश से अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश की अभी जो LT ग्रेड की बुक है वो अरिहंत की आपको मार्केट में मिल जाएगी, पर मैं सजेस्ट करूँगी कि TGT, PGT की जो तैयारी हो रही है उसी के अकॉर्डिंग आप करें। और उसके लिए जो बुक है वो डॉक्टर मोहम्मद शमीम की ये बुक है इंग्लिश लिटरेचर की, काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छे नोट्स दे रखे हैं इसमें, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं। अगर आप TGT, PGT की या KBS, NBS या GIC की या DSSSB की भी तैयारी कर रहे हैं या आगे आने वाले टाइम में भी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये बुक खरीद सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप अमेज़ॉन से घर बैठे इन बुक्स को मंगा सकते हैं। नेक्स्ट जो है मैथ, मैथ के लिए अरिहंत ने डेरा जमा लिया है, तो सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के लिए, और इसमें पाठ्यक्रम का अध्यायवार समावेश है, एक एक चैप्टर का थोड़ा सा डिटेल दे रखा है, आपको समझा रखा है, उसके क्वेश्चंस दे रखे हैं, 1500 से अधिक अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं और 3 मॉडल पेपर्स दे रखे हैं। तो आप अरिहंत की बुक से पढ़ सकते हैं, इससे आपको क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक आपको अच्छे से पता चल जाएंगे, काफ़ी क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको थोड़ा मैटर कम लगता है तो प्लीज़ सजेस्ट करूँगी कि सिर्फ इन्हीं बुक्स पर डिपेंड ना हो, आप इनसे थोड़ा आइडिया ले सकते हैं, पर जो आपकी बुक्स हैं उनको भी ज़रूर पढ़िए, उनको भी ज़रूर पढ़िए, आपको इनसे आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के टॉपिक बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आपको अपनी बुक को छोड़ना नहीं है, वो भी आपको पढ़नी है। नेक्स्ट है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, जीव विज्ञान
की भी जो अरिहंत की बुक है उसमें भी पाठ्यक्रम का अध्याय व समावेश दे रखा है। साथ में स्ट्राइकर की भी बुक है मार्केट में, स्ट्राइकर ऑनलाइन नहीं है अभी, स्ट्राइकर की बुक मार्केट में दे रखी है, उसमें भी आपको चैप्टर वाइज मिलेगा और थोड़ा सा डिटेलिंग दे रखी है, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दे रखे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं दे रखे पर थोड़ा सा ही दे रखा है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे दे रखे हैं 25 से 30, और उसमें जो विषय सूची दी है वो है कौशिका विज्ञान, कौशिका विभाजन, गुणसूत्र एवं भिवंताएँ, मेंडलवाद, नॉन मेंडेलियन, आवृत बीजों की आकारिकी, तो इस तरह का जो सूची दे रखी है, एक एक चैप्टर दे रखा है, उसके बारे में आपको एक पेज या डेढ़ पेज के बारे में आपको डिटेलिंग दी है और उसके ऑब्जेक्टिव दी हैं 25-30 क्वेश्चन। तो आप चाहें तो अरिहंत ले सकते हैं, अरिहंत स्ट्राइकर से शायद थोड़ी सी अच्छी होगी या है। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट जानते हैं म्यूज़िक के बारे में। अगर आप म्यूज़िक से अप्लाई कर रहे हैं तो म्यूज़िक में भी अरिहंत है, एल्टी ग्रेड परीक्षा 2018। सबसे अच्छी बात है कि ये जो आपका एल्टी ग्रेड का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बनाई गई हैं, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आप अपना टॉपिक वाइज अपना जो भी पेपर है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आप अरिहंत की बुक से भी पढ़ सकते हैं, अरिहंत बहुत अच्छी बुक है संगीत के लिए, क्योंकि इसमें पाठ्यक्रम का अध्याय व समावेश दे रखा है, 1500 से अधिक अध्याय व वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं और 3 मॉडल पेपर्स प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं। अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो आप अमेज़ॉन से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, नीचे एरो बना है, एरो पर क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में म्यूज़िक के सामने इसका लिंक दे रखा है, म्यूज़िक लिखा होगा, म्यूज़िक के सामने इसका लिंक दे रखा है, वहाँ क्लिक करके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो बुक है वो है शारीरिक शिक्षा यानी कि फिज़िकल एजुकेशन, और इसमें भी अरिहंत सबसे पहले हैं। अरिहंत बहुत अच्छी काफ़ी अच्छी पब्लिकेशन बुक के मामले में बहुत अच्छी है, क्योंकि उन्होंने सभी सब्जेक्ट का काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस दे रखे हैं, अच्छे चैप्टर वाइज आपको नोट्स दे रखे हैं, टॉपिक वाइज और उनके आंसर्स दे रखे हैं। तो ये पाठ्यक्रम का अध्याय व समावेश है, 1500 से अधिक अध्याय व वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसमें, 3 मॉडल पेपर हैं। तो आप फिज़िकल एजुकेशन के लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं, पर मैं हर बार यही कहूँगी कि सिर्फ आप इन्हीं बुक्स पर डिपेंड ना हो, आप इनसे आइडिया ले सकते हैं, आप इनके क्वेश्चंस पढ़िए, लेकिन जो डिटेल है वो आप अपनी बुक से ही पढ़िए, काफ़ी अच्छा है। आपको सिर्फ इन्हीं पर डिपेंड नहीं रहना है, आपको अपनी बुक से भी पढ़ना है, पर आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह का पॉइंट है, किस तरह का टॉपिक है, जो सिलेबस एल्टी ग्रेड का है तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरह का पढ़ना है, तो इनसे आपको आइडिया मिल जाता है, तो इसीलिए आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी बुक भी पढ़नी है, और अपनी बुक के साथ साथ इन बुक्स को भी पढ़ना है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपको ये बुक ख़रीदनी है तो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और अमेज़ॉन से आप लिंक पर क्लिक करके अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं। नेक्स्ट बुक जो होगी वो है कंप्यूटर की, अगर आप कंप्यूटर से अप्लाई कर रहे हैं तो कंप्यूटर के लिए अरिहंत की अच्छी बुक है, अरिहंत की है, और दूसरी जो बुक है वो स्ट्राइकर की है, तो आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 1500 से अधिक अध्याय व वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 3 मॉडल पेपर्स प्रैक्टिस के साथ हैं, और जो स्ट्राइकर की बुक्स हैं वो भी ठीक ठीक है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा बहुत डिटेल मतलब नोट्स दे रखे हैं 1-2 पेज, और उसके क्वेश्चन दे रखे हैं और चैप्टर वाइज दे रखा है। और अगर आपको इन दोनों में से कोई बुक लेनी है तो आप अरिहंत की लीजिए, काफ़ी अच्छी बुक है अरिहंत की। नेक्स्ट है आर्ट यानी कि कला, कला के लिए है प्रैक्टिस सेट जो गाइडर ने निकाला है UPSC का, और प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी है, इसमें 15 प्रैक्टिस सेट हैं। अगर आपने अपनी तैयारी कर ली है, आप अपने आप को चेक करना चाहते हैं, तो आप इन प्रैक्टिस सेट्स के थ्रू अपने आप का जो अपने लेवल है उसको चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी तैयारी कर ली है और कितनी अभी बाकी है। और जो दूसरी बुक आई है इसकी तैयारी के लिए वो है अरिहंत की, अरिहंत की सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी परीक्षा 2018, और इसमें भी
1500 से अधिक अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं, पाठ्यक्रम का अध्यायवार समावेश दे रखा है। 3 मॉडल पेपर्स प्रैक्टिस के साथ है। तो आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं, इससे आप तैयारी कीजिए और जब आपकी तैयारी हो जाए तो आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर लीजिए। प्रैक्टिस सेट से क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हैं और आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। तो अगर जब टाइम लास्ट के जो हफ्ते या 10 दिन बचते हैं उसमें आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए, पर अपनी बुक से भी पढ़ना ना छोड़ें। नेक्स्ट जो है, अगर सोशल साइंस आप सामाजिक विज्ञान से अप्लाई कर रहे हैं एलटी ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट में, तो आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर लीजिए। प्रैक्टिस सेट से आपको आइडिया हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कितनी है, आप कितने पानी में हैं। दूसरी जो बुक है वो है स्ट्राइकर की, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा सामाजिक विज्ञान, जो विज्ञापन संख्या के अनुसार है, जो सिलेबस है उसके अनुसार है। और तीसरी बुक है अरिहंत की, तो अरिहंत सहायक अध्यापक के लिए, उसमें 4000 से अधिक अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं, पाठ्यक्रम का अध्यायवार समावेश है, 2 मॉडल पेपर हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आप एलटी ग्रेड के लिए इसमें से अरिहंत की बुक ले सकते हैं। अरिहंत की बुक अच्छी है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक से भी पढ़ाई करनी है। एक आइडिया मिल जाएगा आपको अरिहंत की बुक से कि हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन अपनी बुक को भी नहीं छोड़ना है। आगे है कॉमर्स। कॉमर्स के लिए जो बुक आई है वो है यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की, तो कॉमर्स वाले इस बुक को ख़रीद सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। सॉल्व पेपर्स हैं इसमें, TGT, PGT, GIC, LT, KBS, RPSC, DSSSV, NVS, ISSC के सॉल्व पेपर हैं और ये काफ़ी अच्छी बुक है। और इसमें जो आंसर दे रखे हैं, जो टिप्पणी जो दे रखी है, वो व्याख्या सहित दे रखी है, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर कोई किसी क्वेश्चन का आंसर ऐसा है कि आपने नया देखा है, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वो आंसर क्यों है। अगर आप होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान से एलटी ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो होम साइंस के लिए जो बुक है वो है यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की, TGT, PGT, GIC, KVS, LT, RPSC, DSSSV, NVS, JSSSC के पेपर्स दे रखे हैं और इसमें अध्यतन परीक्षा तक टिप्पणी एवं व्याख्या सहित हर प्रश्न पत्र दे रखा है। तो इसमें सॉल्व पेपर्स हैं, प्रैक्टिस बुक हैं और चैप्टर वाइज है। सबसे अच्छी बात यह है कि पेपर वाइज और चैप्टर वाइज है, तो चैप्टर वाइज इसमें जो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं बाकी के एग्ज़ाम्स में, वो दे रखे हैं। साथ में ये व्याख्या सहित दे रखे हैं, उनका डिटेलिंग काफ़ी अच्छी दे रखी है। तो आप होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूथ कॉम्पिटिशन की इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको होम साइंस के सामने उसका लिंक दे रखा है, तो उस पर क्लिक कीजिए और इस बुक को आप घर बैठे amazon.com से मंगा लीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह के वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहेंगे। और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अभी के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। Bye bye, take care and thanks for watching.